नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तारी जी के पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम को देखते हुए इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को आप केयरफुली देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होती हैं? ऑप्शन दिया हुआ है गार्गल्स, लोशन, सीरप्स एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑल। ये सभी लिक्विड डोजेज फॉर्म हैं, गार्गल्स, लोशन, सीरप, ये तीनों लिक्विड डोजेज फॉर्म हैं, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू कर लेते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एच, इसमें से सेमी सॉलिड डोजेज हैं तो ऑप्शन दिए हुए हैं क्रीम्स, ऑइंटमेंट, ऑप्शन सी बी एंड सी एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? बी एंड सी, यानी कि क्रीम्स और ऑइंटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री कर लेते हैं। द न्यू एडिक्शन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश आफ्टर एवरी, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है ये कितने साल बाद नया एडिक्शन आ जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 3 ईयर, ऑप्शन बी 4 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर एंड ऑप्शन डी 6 ईयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 5 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर कर लेते हैं। द लेटेस्ट एडिक्शन ऑफ आईपी वाज पब्लिश इन, ऑप्शन दिया हुआ है 2016, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2014 एंड ऑप्शन डी 2017। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 2018, नया एडिक्शन 2018 में पब्लिश हुई है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर फाइव कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, साइज रिडक्शन मतलब कोई बड़ी चीज़ उसको तोड़कर छोटा किया जाए। जैसे मान लीजिए ये कोई बड़ी चीज़ है, इसे तोड़कर छोटे छोटे पार्ट में किए जाएँ, इसी को क्या बोलते हैं? साइज रिडक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं स्टिकनेस, ऑप्शन बी हार्डनेस एंड ऑप्शन सी मॉइस्चर कंटेंट एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑल, ठीक है। ये तीनों साइज रिडक्शन हैं, फैक्टर अफेक्टिंग के ये तीनों साइज रिडक्शन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स कर लेते हैं। साइज सेपरेशन मेथड, ऑप्शन दिया हुआ है यूट्रिएशन, ऑप्शन बी सीविंग एंड ऑप्शन सी एयर सेपरेटर एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन कर लेते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स, आयुर्वेदिक की सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन सी होती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है भस्म, अंजन, चूर्ण एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट कर लेते हैं। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ऑप्शन दिया हुआ है फिजिकल मेथड, ऑप्शन बी केमिकल मेथड, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ए एंड बी, यानी कि फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड, दोनों तरह के मेथड स्टरलाइजेशन मेथड होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन कर लेते हैं। कैप्सूल आर अवेलेबल इन टाइप्स, कैप्सूल कितने तरह के होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए सॉफ्ट जिलेटिन, ऑप्शन बी हार्ड जिलेटिन, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ए एंड बी, यानी कि सॉफ्ट जिलेटिन और हार्ड जिलेटिन, दो प्रकार के कैप्सूल होते हैं, ठीक है, एक सॉफ्ट जिलेटिन और एक हार्ड जिलेटिन, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को 100% मिलने वाले हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। बैक्टीरियल वैक्सीन आर, ऑप्शन दिया हुआ है कोलेरा वैक्सीन, ऑप्शन बी BCG, ऑप्शन सी टाइफाइड वैक्सीन एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ऑल, कोलेरा वैक्सीन, BCG, टाइफाइड वैक्सीन, ये तीनों बैक्टीरियल वैक्सीन हैं, ठीक है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। 11 क्या कह रहा है, वन ड्रॉप मेजर्स इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में वन ड्रॉप को कितना बोलते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 6 ml, ऑप्शन बी 60 ml, ऑप्शन सी 0.06 ml एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 0.06 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। वन टीस्पून फुल कितना होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है 6 ml, 10 ml, 4 ml एंड ऑप्शन डी 2 ml। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 4 ml। वन टीस्पून बराबर कितना होता है, वन टीस्पून बराबर कितना होता है 4 ml, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 5 ml, 2 ml, 15 ml एंड ऑप्शन डी 10 ml। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 15 ml। वन टेबल स्पूनफुल मतलब होता है 15 ml, वन टेबल स्पूनफुल में 15 ml होते हैं, याद रखना आपको, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पूछ ले, इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 20 ml, ऑप्शन बी 60 ml, ऑप्शन सी 40 ml एंड ऑप्शन डी 10 ml। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा 60 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। 1000 ml इज, ऑप्शन दिया हुआ है 1 ग्राम, ऑप्शन बी 1 किलोग्राम, ऑप्शन सी 1 ml एंड ऑप्शन डी 1 लीटर। और दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पर 1 लीटर रहेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर बना लीजिएगा 1 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा 1 लीटर। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के लेते हैं। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, ऑप्शन दिए हुए हैं लिंक्टस, ऑप्शन बी इलिक्जर्स, ऑप्शन सी सीरप एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज पब्लिश्ड एज सप्लीमेंट, ऑप्शन दिया हुआ है यूएसपी, आईपीसी, ऑप्शन सी बीपी, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा बीपी, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। पैकेजिंग मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, इन सब की जो पैकिंग होती है किसमें होती है? ऑप्शन दिया हुआ है ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, इन तीनों में पैकेजिंग किया जाता है। ठीक है, ग्लास में भी, प्लास्टिक में भी और मेटल में भी, याद रखना आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ऑप्शन दिए हुए हैं पॉजिटिव मिक्सचर, निगेटिव मिक्सचर एंड ऑप्शन सी न्यूट्रल मिक्सचर और ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। मिक्सचर के 3 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव मिक्सचर, निगेटिव मिक्सचर एंड ऑप्शन सी न्यूट्रल मिक्सचर, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडियन वाज पब्लिश इन, कब हुआ था पब्लिश फर्स्ट एडिशन का? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1967, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1946 एंड ऑप्शन डी 1955। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। फार्माकोपिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम,
फार्माकोपिया किससे डिराइव हुआ है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश, लैटिन वर्ड, ऑप्शन सी फ्रेंच एंड ऑप्शन डी ग्रीक वर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। 1 गैलन, ऑप्शन दिया हुआ है 160 फ्लूड आउंसेस, ऑप्शन बी 50 फ्लूड आउंसेस, ऑप्शन सी 130 फ्लूड आउंसेस एंड ऑप्शन डी 80 फ्लूड आउंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? 160 फ्लूड आउंसेस। 1 गैलन में 160 फ्लूड आउंसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। द सेकेंड एडिक्शन ऑफ आईपी वाज पब्लिश इन, तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1985 एंड ऑप्शन डी 1980। इसमें पूछा है कि इंडियन फार्माकोपिया का सेकेंड एडिक्शन कब पब्लिश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? 1966, सेकेंड एडिक्शन 1966 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, ऑप्शन दिया हुआ है सुक्रोज, फ्रुक्टोज, डेक्सट्रोज एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। शुगर अकॉर्डिंग टू आईपी इज, ऑप्शन दिया हुआ है 67% WBW, ऑप्शन बी 66% WBW, ऑप्शन सी दिया हुआ है 77% WBW एंड ऑप्शन डी 62% WBW। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 60%। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे रहेगा 66.7%, ठीक है, आप लोग यहाँ बना लीजिएगा 66.7% रहेगा, यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा 66.7%, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। सॉल्यूशंस आर डोजेज फॉर्म, ऑप्शन दिया हुआ है बायोफेजिक, ऑप्शन बी मोनोफेजिक, ऑप्शन सी सॉलिड एंड ऑप्शन डी ट्राइफेजिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? मोनोफेजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लास आर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। इसमें पूछा गया है कितने टाइप के ग्लास होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। टेम्परेचर यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वैक्सीन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? 55 से 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 55 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। बाल मिल वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? इंपैक्ट एंड एट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। रोलर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए इंपैक्ट, ऑप्शन बी कंप्रेशन, ऑप्शन सी कटिंग एंड ऑप्शन डी एट्रिक्शन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? कंप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। सॉल्वेंट यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ए एंड बी, यानी कि अल्कोहल और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म्स, तो ऑप्शन दिया हुआ है घन, कैलकस, एवलियास
एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल, घान हो जाएगा, कालकास हो जाएगा और अवाली हास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। टैबलेट यूज्ड इनटू ओरल कैविटी, ऑप्शन दिया हुआ है कॉम्प्रेस टैबलेट, डिस्पेंसिंग टैबलेट, बकल टैबलेट्स एंड ऑप्शन डी वैगिनल टैबलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा बकल टैबलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। यूज ऑफ फ्रिज ड्रायर, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए वैक्सीन्स, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी थर्मो लेबाइल सब्सटेंस एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल। इसका मतलब इसमें यह पूछा था कि फ्रिज ड्रायर का यूज कहाँ पर होता है, फ्रिज ड्रायर का यूज पूछा था तो ये कहाँ पर होता है, वैक्सीन्स एंटीबायोटिक्स थर्मो लेवाइल सब्सटेंस, इन तीनों में होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। शिफ नंबर 10 नॉमिनल मेश अपर्चर साइज, तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 1.7 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग ऑफ कंटेनर्स, ऑप्शन दिया हुआ है प्लास्टिक, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी पेपर एंड बोर्ड एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑल, प्लास्टिक ग्लास पेपर एंड बोर्ड ये तीनों हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। नेम ऑफ द फिल्टर एड, ऑप्शन दिया हुआ है फिल्टर पेपर, पर लाइफ, कॉटन ओल एंड ऑप्शन डी ऑल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा पर लाइफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट इन मेट्रिक सिस्टम एज, ऑप्शन क्या दिया हुआ है गैलन, पाउंड, किलोग्राम, ग्राम्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे मिसिर हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा मोसिट होगा, यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा MOSIT। ठीक है, यहाँ पे मोसिट होगा, यहाँ पे मिसिर नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, मोसिट ग्रेनुअल्स आर ड्राइड एट, ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 70 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 80 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी 90 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। डस्टिंग पाउडर आर स्टरलाइज्ड बाय, ऑप्शन दिया हुआ है मॉइस्ट एयर, ड्राई हीट, रेडिएशन, हीटिंग विथ ए बैक्टेरिसाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ड्राई हीट। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। इन टेटी कोटेड टेबलेट्स डिसइंटीग्रेट इन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द फेस ऑफ द टेबलेट इज कॉल्ड, ऑप्शन दिया हुआ है स्टिकिंग, पीकिंग, ऑप्शन सी कैपिंग एंड ऑप्शन डी लेमिनेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा कैपिंग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड गैसियस स्टरलाइजिंग एजेंट इन फार्मेसी इज, तो ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन सी साइक्लोप्रोपेन एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा इथिलीन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। इन वेट वेरिएशन टेस्ट नंबर ऑफ कैप्सूल आर टेस्टेड, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 20। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। इन वेट वेरिएशन टेस्ट अलाउड वेरिएशन फॉर 300 mg कैप्सूल इज, ऑप्शन दिया हुआ है 7.5%, ऑप्शन बी 1.5% एंड ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 10%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। ड्राई सील एंड वेट सील इज सब टाइप ऑफ, ऑप्शन क्या दिया हुआ है कैचेस, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, पिल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा कैचेस, ठीक है याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट डोजेज फॉर्म, ऑप्शन क्या दिया हुआ है पिल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, डस्टिंग पाउडर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा डस्टिंग पाउडर। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड गैसेस, ऑप्शन क्या दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टेयरिंग इंजेक्टेबल्स, ऑप्शन क्या दिया हुआ है मल्टी डोज कंटेनर्स, ऑप्शन बी सिंगल डोज कंटेनर, ऑप्शन सी एरोसोल कंटेनर एंड ऑप्शन डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा मल्टी डोज कंटेनर्स। तो दोस्तों मैंने फार्मासिटी फर्स्ट के टॉप 50 MCQ करा दिए हैं और मैं जितना क्वेश्चन कराया हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 25 और मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू।